हेलो क्रिकेटिंग बोल, आपका स्वागत है कौस्तुभ पवार क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपके क्रिकेट में इसमें फ़ायदा आएगा। तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग सीज़न। तो अपकमिंग सीज़न जो भी आपका आ रहा है तो उसमें प्रिपरेशन कैसे कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट। तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि मेरा लेवल कौन सा है और मैं कौन सा लेवल खेलने वाला हूँ। अगर वो लेवल खेलने के लिए मुझे कितना मेहनत करना है। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको मेंटल एस्पेक्ट, आपका फिजिकल एस्पेक्ट, आपका जो भी टेक्निक एंड स्किल एस्पेक्ट है आपको उसमें जो भी है आपको लिखना है। मैंने सेल्फ असेसमेंट के बारे में वीडियो बना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। ऊपर आई बटन भी है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रिपरेशन इन द मॉनसून सीजन और ऑफ सीज़न। मेनी पीपल से ऑफ सीज़न, आई विल से इट्स अ प्रिपरेशन सीज़न, बिकॉज ऑफ सीज़न मतलब हम पूरा टाइम ऑफ रहते हैं, कुछ नहीं करते, पर मेरे हिसाब से इसको प्रिपरेशन सीज़न नाम देना चाहिए। बहुत लोग ऑफ सीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम में आपको किस किस चीज़ पे वर्क करना है, एक बार आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया तो वो आपको हर एक चीज़ पे आपको वर्क करना है। जो भी आपने लिखा है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो आपको वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करना है जो स्ट्रेंथ में आए, और जो स्ट्रेंथ है उसे इग्नोर नहीं करना है, याद रखो इग्नोर नहीं करना है, वो भी चीज़ करनी है। अगर आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, जो भी है रनिंग से लेकर आपका स्ट्रेंथ पावर जो भी है वो फिजिकल फिटनेस आता है, ठीक है। मेंटल एस्पेक्ट में क्या क्या आ सकता है, विजुअलाइजेशन आता है, उसमें भी मैंने वीडियो बना है, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा, या आई बटन है वहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन हो गया। आप प्राणायाम कर सकते हो आपके ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, आपका ब्रीदिंग लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ओके। देन अगेन विजुअलाइजेशन हो गया, तो मैच प्रिपरेशन कैसे करना है वो सिर्फ प्रैक्टिस हो गया, वो आपका मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो प्रैक्टिस है, ओके। तो ये चीज़ हो गया। टेंस टेक्निक एंड स्किल्स, बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबॉडी डज इन मॉनसून सीजन। सब लोग क्या करते हैं मोस्टली, कोई बहुत लोग कुछ नहीं करते, और जो लोग भी कुछ करते हैं तो वो फिटनेस करते हैं, टेक्निक एंड स्किल पे वर्क कोई नहीं करता है। एक बात याद रखो, जब सीज़न चालू होता है तभी टेक्निक एंड स्किल पे इम्प्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो टाइम में हमें परफॉर्मेंस कैसे करना, टीम को जिताना कैसे, वहाँ पे ध्यान जाता है। अगर आप टेक्निक स्किल पे ध्यान दोगे, जैसे मैं ट्रिगर मूवमेंट कर रहा हूँ ये टाइम में करना है, उसमें ध्यान दोगे तो आपका ध्यान बॉल में नहीं रहेगा, ओके। अगर बॉलिंग में भी मुझे ऐसा करना है, मेरा लोडिंग ऐसा आना चाहिए, मेरा फ्रंट आर्म ऐसा आना चाहिए, अगर आपका ध्यान रहेगा तो बैट्समैन स्टेप आउट होगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस पे। तो इसलिए ये जो मॉनसून टाइम रहता है वो टाइम में आपको फुल फोकस करना है टेक्निक एंड स्किल में, आपके टेक्निक एंड स्किल पे वर्क करना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कर दे तो ये तीनों चीज़, मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और टेक्निक एंड स्किल एस्पेक्ट, यहाँ पे आप वर्क करते हो तो आपको आप मॉनसून टिक मार्क कर देते हो, आप मॉनसून सीज़न का जो आपने प्रिपरेशन किया है वो टिक मार्क कर देते हो। मॉनसून सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में सब क्लब्स एकेडमीज के नेट स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर जो भी मुंबई या जो भी आप अपने स्टेट के लिए खेलते हो वो लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, KSA टूर्नामेंट, ये उन वो स्टेट के लिए सिलेक्शन ट्रायल जैसा रहता है, तो वो मैचेस खेलते हैं। वो मैचेस क्यों खेलते हैं क्योंकि आपका फॉर्म आया है, क्योंकि हम जो ऑफ सीज़न जो मॉनसून सीज़न रहता है या प्रिपरेशन सीज़न रहता है वहाँ पे मैचेस नहीं खेलते हैं, तो हम फॉर्म में नहीं रहते, हम सिर्फ इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। जब मैच खेलते हो आपको कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, इसलिए आप मैचेस खेलते जाते हो। आप मैच सिमुलेशन भी खेल सकते हो। मैच सिमुलेशन मतलब एक सर्टन टारगेट रहता है बैट्समैन, अगर बैट्समैन हूँ तो मुझे 10 ओवर में इतने रन्स करने मेरे पार्टनर के साथ, ठीक है। बॉलर को टारगेट रहेगी उसमें विकेट्स निकालना और उतने रन भी नहीं देने। मैच सिमुलेशन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टूर्नामेंट यू आर गोइंग टू प्ले, आप जो भी टूर्नामेंट खेलने वाले हो उस हिसाब से मैच सिमुलेशन का टारगेट रहता है। तो मैच सिमुलेशन हो गया, और मैच प्रैक्टिस, जितने मैच प्रैक्टिस खेल सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि 10 मैच में से अगर आप 5 मैच में भी रन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। नहीं तो अगर आप 2 मैच सिर्फ खेलोगे और उसमें 1 मैच रन करोगे
या फिर क्योंकि अलग अलग टीम के साथ खेलना मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे टीम वीक भी रहते हैं, स्ट्रांग भी रहते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स कंडीशन अलग अलग रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो कंडीशंस अलग रहते हैं, अगर एक ही जगह पे खेलते हो पर पिचेस आपको अलग अलग मिल सकते हैं, क्योंकि मॉनसून के बाद मोस्टली आपको ग्रीन विकेट मिल सकते हैं, कोई कोई जगह पे थोड़े डैम विकेट जहाँ पे बॉल रुक के आता है वैसा विकेट मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे उतना आपका प्रिपरेशन अच्छा होता जाएगा, आपके कोचेस जो भी है मेंटोर है आप उनसे बात करो कि हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, उस वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें है आपको प्रिपेयर करना है, अगर बॉलर हूँ मैं मुझे विकेट्स कहाँ मिलने वाले हैं तो आपके कोचेस से बात करो, वो एरियाज पे डालना है, अगर लेफ्ट हैंडेड रहेगा तो लेफ्ट हैंडेड को कैसा डालना चाहिए, कोई कोई अटैकिंग बैट्समैन रहेगा तो उसको लाइन लेंथ कैसा होना चाहिए वो भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सब बैट्समैन अलग टाइप के रहते हैं, सबको एक एरियाज में नहीं डाल सकते हो। आपको लाइन लेंथ इम्प्रूव करना है तो आप एक जगह पे कोन्स लगा के डाल सकते हो, पर अगर बैट्समैन जो ऊपर के लेवल खेलते हैं वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते, कभी आगे आते हैं कभी पीछे रहते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे, तो आपको उतना स्मार्ट होना है, इसलिए आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ये प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो एक बार मैच सिमुलेशन और मैच प्रैक्टिस जो भी आप खेलते हो उसके बाद आप रेडी हो टूर्नामेंट के लिए, ओके। जब आपका टूर्नामेंट चालू होता है याद रखना कि जो भी हमने ट्रेनिंग की है वो ट्रेनिंग आपको थ्रू आउट द सीज़न काम में आएगी, अगर आपने फिजिकल फिटनेस जो भी की है मॉनसून सीज़न में आपको फिट बनाएगी, पर एक याद रखना कि आप जितने मैचेस खेलते जाओगे उतने आप वीक भी होते जाते हो, तो इसलिए वो टाइम में आपको मेंटेनेंस फिजिकल एक्टिविटी करना है, फिजिकल ट्रेनिंग करना है, मेंटेनेंस मतलब नॉट टू हैवी, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, आपको वही जो आपने इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पे आपका जो फिटनेस बढ़ा है आपको वो मेंटेन करना है थ्रू आउट द सीज़न के लिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो खेलते बॉडी टायर्ड हो जाता है, आपका लेवल नीचे नीचे आते जाएगा और आप इंजर्ड होते जाओगे, ये मेरे साथ हुआ था जब मैं फर्स्ट सीज़न रणजी ट्रॉफी खेला था, क्योंकि हम एज ग्रुप से खेले में फॉर्म में था, बाद में रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट हुआ, थ्रू आउट द सीज़न 8 मैचेस खेले थे, हम सेमीफाइनल तक गए थे मुंबई की टीम, तो वो टाइम में मैंने रन्स किए थे और मेरे बैक इंजरी हुई थी वो टाइम में, बिकॉज मैंने मेंटेनेंस वाला फिटनेस नहीं किया था। नेक्स्ट सीज़न में मैंने वर्क किया इस पर, ये चीज़ पे ध्यान दी और वो मेरा सीज़न उससे अच्छा गया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसे हर बार इम्प्रूवमेंट करने देखो, पर जब सीज़न चालू होता है तो आपको मेंटेन जो भी फिटनेस रहेगा आपको मेंटेन करना है। और जो भी प्लेयर स्टेट नहीं खेल रहे जो क्लब लेवल खेलते हैं उनको कभी नॉकआउट मैचेस खेलते हैं, जैसे मुंबई में क्लब का लेवल में नॉकआउट मैचेस होते हैं, फर्स्ट या सेकंड राउंड में हारते तो एक मंथ गैप मिलता है, तो वो टाइम में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आपका फिटनेस लेवल या जो भी है आपका नेट्स का प्रैक्टिस आप हार्डवर्क कर सकते हो, तब आप ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हो। पर जब आप बहुत सारे मैचेस खेलते हो लगा हफ्ते में पाँच दिन मैच खेलते हो तो वो टाइम में डिफ़िकल्ट है आपको फिटनेस इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी टायर्ड हो, तो रिकवरी मस्ट है, तो वो टाइम में ध्यान देना रिकवरी पे, ओके। तो लास्ट पॉइंट इज़ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता नहीं रहता जब आप सीज़न खेलते हो तो आप देखोगे आपका वेट कम होते जाता है, अगर आप बहुत सारे मैचेस खेलते हो तो आपका वेट वो टाइम में कम होते जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, आप डाइटिशियन से डाइट लो कि कितने कैलोरीज ऑफ जो मॉनसून सीज़न है वो टाइम में कितना खाना चाहिए और जो सीज़न चालू रहता है वो टाइम में कितना खाना चाहिए, बिकॉज वो टाइम में आपके फैट्स और मसल्स कम होते जाते हैं, आपका वेट लॉस होते जाता है अगर आप प्रॉपर डाइट ना करो। तो ये सारे पॉइंट्स थे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीज़न के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपने नया क्या सीखा है वो कमेंट कीजिए, और आपने जो टीममेट्स है उनको ये चीज़ शेयर कीजिए, तो आपकी टीम इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपका एज अ टीम एज अ यूनिट इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।